सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द एजुकेशन आप तो आज हम करेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर फोटीन जो चैप्टर है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये और एक मोरल स्टोरी है यानी कि इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा ठीक है तो इस स्टोरी का नाम है अह आ चे तो इसको हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ेंगे मतलब इसमें टोटल आई थिंक फोर टू फाइव पैराग्राफ्स हैं ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है बट इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो मैं पहले पूरा एक पैराग्राफ पढ़ाऊँगी उसके बाद उस पैराग्राफ का मैं आपको मीनिंग बताऊँगी क्योंकि एक एक लाइन बताने चली तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा तो मैं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ाऊंगी आप लोग बिल्कुल सीरियसली सुनना और कोई आपके डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं चतुर्दश पाठ यानी कि चैप्टर फोर्टीन एह आ च तो देखिए अजीज सरल परिश्रमी च आसित स्व स्वाभिमान एवं सेवाय लीन अस्ति एकदा से ग्रह गंतुम अवकाश व गति स्वामी चतुर अस्ति स चिंतयति अजीज एव ना अन्य कार्य कुशल एव अवकाश अपि वेतन ग्रह शीयति एव चिंतन यत्वा स्वामी कथयति अहम तोभ्यम आकाशा से वेतन से च सर्वे धन दासयामि परम एक दर्थत्वम वस्तुद्यम अनाय अहम आहा इति तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या होता है अजीज एक लड़का है वो कैसा है वो बहुत सरल स्वभाव का है मतलब सिंपल है उसका नेचर बहुत अच्छा सा नेचर है और वो बहुत मेहनती भी था ठीक है तो एक स्टोरी है तो इसमें ये जो बंदा था ये बहुत मेहनती था बहुत सिंपल नेचर का था वो हमेशा अपने मालिक की सेवा में लगा रहता था उसकी हमेशा सेवा करता था वो और पूरे ईमानदारी से पूरे लगन से एक बार क्या हुआ उसे छुट्टियों पर कहीं पर जाना था तो उसने अपने मालिक को बोला कि मैं छुट्टियों पर जाऊँगा मुझे छुट्टियाँ आप दे दो और मुझे पैसे भी चाहिए तो जो उसका मालिक था जो उसका स्वामी था वो बहुत ही ज़्यादा चलाक था बहुत ज़्यादा क्लेवर था तो उसने क्या सोचा वो सोचा कि अज़ीज़ जो है ना वो काम तो बहुत अच्छा करता है मेरी सेवा भी बहुत अच्छा अच्छी तरीके से करता है मेरा आदर भी करता है और मुझे इसकी जगह कोई मिलेगा भी नहीं और अभी छुट्टी पर जा रहा है तो मुझे उसे पैसे पैसे भी देने पड़ेंगे और बिना पैसे दिए काम भी नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँ अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा चलाक था तो मालिक ने उसे मालिक को एक आइडिया आया उसने बोला मैं तुम्हें छुट्टी भी दे दूंगा और तुम्हारे सारे पैसे पैसे भी दे दूँगा पर तुम्हें मुझे दो चीज़ें ला के देनी पड़ेंगी यानी कि दो वस्तुएँ ला के देनी पड़ेगी दो वस्तुओं का नाम था अह और आ अब ये दो वस्तुएँ क्या हैं कि कुछ नहीं उसने बताया ये क्या चीज़ है क्या नहीं बस उसने बोला तो मुझे अह और आ नाम की वस्तु जो है वो ला के दो श्रुत्वा अजीज वृस्थय आने तो निर्गछति स परिभ्रमति जनान पृछति आकाश पच्यसी धरापयथ पर सफलता नापय तो चिंतती परिश्रमें धन स नव प्राप्स एका वृद्धा मिलती सर्वे सा सर्वे व्यथा श्राव्यति स विचार्यति स्वामी अजीजाय धन दात न इच्छति सा कथयन्ति अहम तब्य वस्तु ददा पर बहुमूल्य वर्तेत प्रसन्न स स्वामी समीपे आगछति अब क्या हुआ इस पैराग्राफ को भी हमने पढ़ा तो इसमें क्या हुआ कि वो दोनों जो सामान था जो भी उसका सामान लेके जाना था वो उसकी खोज में निकल गया ठीक है वो ढूंढने निकलता है वो इधर उधर जगह से जगह घूमता है वो लोगों से पूछता है वो आकाश आसमान में उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता है वो ज़मीन पे उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता है इसका ये मतलब है वो चारों तरफ उन चीज़ों को ढूंढता है पर उसे कभी भी सफलता नहीं मिल पा रही वो ढूंढ रहा है लेकिन उसे उसका आंसर नहीं मिल पा रहा वो चीज़ें नहीं मिल पा रही मत ठीक है तो वो उसे सफलता जो है वो प्राप्त नहीं हो पा रही फिर वो सोचता है कि क्या वो इस चक्कर में अपने पैसे तो नहीं खो देगा मतलब जो उसने इतने टाइम से मेहनत करता आ रहा है तो सिर्फ इन दो चीज़ों की वजह से क्या पता उसके सारे जो पैसे हैं जो उसका मालिक उसे देने वाला है वो ना दे तो उसकी क्या मेहनत पानी में चली जाएगी अब उसे छुट्टियों पे भी जाना है तो क्या अब वो क्या करेगा तो वो जैसे ही आगे जाता है इन सोच विचार में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है वो उसे अपनी कहा व्यथा सुनाता है यानी कि अपनी सारी स्थिति बताता है कि उसके साथ ये हुआ तो वो समझ जाती है अजीज की बातों से वो समझ जाती है कि स्वामी जो है वो उसे धन धन नहीं देना चाहता तो वो क्या करती है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें दो चीज़ें दूंगी दो वस्तुएं देती हूँ लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं ना ये बहुत बहुमूल्य हैं यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती है तो इस बात को सुन के जो अजीज़ था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो मालिक के पास चला गया तो आगे देखिए आगे बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट है इस स्टोरी में कि वो कैसे लेकर आता है अब आहा और ओहो नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है तो वो क्या लेकर आता है और वो जो भी बहुत कीमती चीज़ होती है अजीज दृष्टावे स्वामी चकित भवती इसका मतलब है अजीज़ जब अपने स्वामी के पास चला जाता है तो उसका स्वामी जो होता है वो चकित हो जाता है यानी हैरान हो जाता है कि जो अजीज है वो आ कैसे गया उसे कुछ मिल तो नहीं गया क्योंकि वो बहुत समझदार भी था स्वामी शने शने पेटे काम उद्य घाटियंती इसका मतलब है जो स्वामी होता है वो धीरे धीरे उस पोटली को खोलता है पेटी कलाए लघु पाद्यम अस्थि अब उसमें क्या होता है उस पेटी में दो छोटे छोटे बर्तन थे अब देखते हैं उस बर्तन में क्या था प्रथम से एक लघु पात्रम उद्घाटयान्ती इसका मतलब है पहले में एक पहले का वो खोलता है तो उसको बर्तन मिलते हैं ठीक है अब एकदम से क्या होता है उसमें से एक मक्खी निकलती है मधु मक्खी निकलती है उस पहले बर्तन में से और वो क्या होती है वो मालिक के हाथ में जोर से काट लेती है सहासे एक है मधु निर्गछी तस् हसन दशा यानी कि वो उसके हाथ पे काट लेती है स्वामी उच्च अहा अह लघु पाम उद्घाटयती एका अन्य मक्षिका निर्गछति स लाटे दशति पीड़ते स अत्युच्रौती अह इते अजीज चलो पहले इतना मैं आपको बता देती हूँ उसके बाद क्या होता है पहले वो एक छोटा सा बर्तन खोलता है उसमें क्या होता है एक मधुमक्खी होती है वो मधुमक्खी निकलती है और वो उसके हाथ पे डस लेती है उसके हाथ पे काट लेती है तो मालिक जो होता है वो ज़ोर से एकदम से बोल उठता है आह मतलब जैसे हम दर्द में बोलते हैं आ तो वो वैसे दर्द में आ बोलता है फिर वो दूसरा खोलता है दूसरा बर्तन खोलता है तो उसमें क्या होता है उसमें भी एक मधुमक्खी होती है दूसरी मधुमक्खी होती है वो भी आती है और वो कहाँ काटती है वो उसके सर पे यानी मस्तक पे काट लेती है पहले ने हाथ पे काटा था और दूसरे ने मस्तक पे काटा था तो एकदम से जो वो राज वो जो मालिक होता है वो एकदम से चिल्लाता है आहा ठीक है तो वो ऐसे चिल्लाता है आ और और ओ उसकी दोनों आवाज़ें निकल जाती हैं तो देखिए अजीज सफल अस्थि अजीज अस्त जो है वो अपनी बातों में सफल हो गया हाँ स्वामी आकाश आकाशस्य वेतन से च पूर्ण धन ददाती तो जो स्वामी होता है अब वो समझ जाता है कि ये बहुत समझदार है तो स्वामी जो होता है वो उसे पूरा का पूरा छुट्टी का और वैसे जो उसका जितना भी पैसा बनता था वो उसे दे देता है तो आपको स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी क्योंकि स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे हमें कुछ सीख मिलती है आप गैस करो इसमें क्या सीख मिलती है और आप बताना वरना चलो मैं ही बता देती हूँ इससे हमें ये ये सीख मिलती है कि हमें परिश्रम से और कोई भी काम जो होता है वो लगन से करना चाहिए अगर हम कोई भी काम परिश्रम से और लगन से करेंगे तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो स... ऐसा कोई भी काम नहीं है जो सक्सेसफुल नहीं हो सकता यानी कि हम जितने भी काम हैं वो हम कर सकते हैं कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते ठीक है तो इस चैप्टर से हमें ये मोरल भी मिलता है और हमें किसी को भी कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी के भी मेहनत की कमाई हमें नहीं रखनी चाहिए सो होप है आपको वीडियो समझ आई होगी अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग एजुकेशन हफ वीडियोज टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग